तो भाई अगर आप भी उनमें से हैं जो टीम अच्छा बनाते हैं, उनका टीम भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन उनका फ्लॉप चला जाता है, या तो फिर कैप्टन चलता है तो वाइस कैप्टन फ्लॉप जाता है, या फिर वाइस कैप्टन चलता है तो कैप्टन फ्लॉप जाता है, या फिर आप उनमें से हैं जिनका कैप्टन वाइस कैप्टन भी ठीक चलता है लेकिन टीम का दो प्लेयर हमेशा फ्लॉप चला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उन दो प्लेयर को जो है हम कैसे फ्लॉप होने से बच सकते हैं, और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन का जो अपना बात है, हम किस टाइप के प्लेयर को लें कि जो हमारा फ्लॉप ना जाए, हमेशा हम लोगों को पॉइंट दे। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम का सलूशन, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस आपको पता होना चाहिए। बहुत बंदे ने हमको कॉमेंट किया था कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन का वीडियो स्पेशल लेके आइए, तो इसी की तैयारी में हम लगे हुए थे। 2 दिन अपने चैनल पे हम इसको लेकर वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाए, तो वीडियो यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत करना, पूरे प्रोसेस को, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से अच्छे से सुनना और समझना। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आपको बोल दे रहे हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और साथ में टेलीग्राम को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। पहले हम बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करना है, उसके बाद बात करेंगे कि किस टाइप के प्लेयर को हम लोगों को लेना है। तो देखिए, सबसे पहला बात आता है हम लोग का कि जो टीम होती है, जो 11 टीम हम लोग लेते हैं, उसमें आपको 4 से 5 ही प्लेयर ऐसे मिलेंगे जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लायक वह रहते हैं, 4 से 5 प्लेयर ही आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन उसमें से आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे आगे हम वीडियो में जो है बताते हैं। देखिए, हम लोग का नॉर्मल गलती क्या होता है कि हम लोग जाना माना जो भी प्लेयर है, बहुत से लोग जो फैंटेसी खेलते हैं, ओपनर जो दूसरे टीम का बैट्समैन होता है उसको कैप्टन रख देते हैं, और इधर से जो पावर प्ले में, यानी कि 6 ओवर पावर प्ले उसको कहते हैं दोस्तों, जो 6 ओवर तक तो बॉलिंग चलता है T20 में, तो ओपनर बैट्समैन को यहाँ पर वो कैप्टन रख देते हैं, और जो पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा दूसरे टीम से बॉलर, उसको वाइस कैप्टन रख देते हैं। तो दोस्तों आप ही सोचो कैसे यह जो है यहाँ पर पॉइंट देगा। अगर मान लीजिए ओपनर जो बैट्समैन है, अगर वह ओपनर पारी खेल जाता है, कैप्टन का वो जो है दावेदार जिसको आप बनाए, अगर वह 10 ओवर खेल जाता है कैप्टन के लायक, तो उस दिन आपका जो पावर प्ले में बॉलर बॉलिंग करने आता है वह आपका फ्लॉप चला जाएगा, या तो फिर बॉलर अच्छा कर देता है, विकेट ले लेता है, तो विकेट किसका लेगा? आप जो ओपनर बैट्समैन लिए हो दूसरे टीम से, उसी का विकेट लेगा। तो दोनों में से आपको यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन का एक ही बनाना है, ठीक है, दोनों को नहीं बनाना। आप दोनों को बनाओगे, दोनों आमने सामने हो जाएंगे, इसका विकेट ले लेगा या तो फिर इसको ये रन मार देगा, तो यहाँ पर एक प्लेयर सीधा सा है आपका, यहाँ पर फ्लॉप चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग का नॉर्मल पहला गलती आता है। दूसरा गलती हम लोग का क्या आता है कि हम लोग को जो स्ट्रांग टीम दिखती है कि हाँ ये स्ट्रांग टीम है, आज यह ज्यादा रन चेस करेगी, ज्यादा रन बनाएगी, 200 के आसपास रन बनाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ओपनर जो बैट्समैन है उसको कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी बना देते हैं, और फिर जो 5 से 6 नंबर पे बैटिंग करने आता है उस टीम से, उसको वाइस कैप्टन या कैप्टन बना देते हैं। तो यहाँ पर होता दोस्तों यह है कि सेम अगर ओपनर जो बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन आपका मान लीजिए कैप्टन है, और वाइस कैप्टन 5-6 नंबर पे जिसका बैटिंग आता है वह वाइस कैप्टन है, तो अगर कैप्टन जो है अपना पारी खेल जाता है पूरा कैप्टन के लायक, वह जो है खेल जाता है 10 ओवर खेल जाता है, तो आपका वाइस कैप्टन फ्लॉप जाएगा। इसलिए जाएगा कि उसका बैटिंग ऑर्डर 5-6 नंबर पे है, उसका बैटिंग आते आते जो है आपका 20 ओवर है, 20 ओवर का मैच है, मैच खत्म हो जाएगा, या फिर हो सके उसको मिले भी तो 1-2 ओवर खेलने के लिए मिलेगा, तो उसमें वह दोस्तों कितना रन बनाएगा आप खुद से सोचो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कैप्टन जो है पूरा नहीं खेला, कैप्टन आपका फ्लॉप चल गया, वाइस कैप्टन को चलने के लिए क्या होना चाहिए, आपका कैप्टन को जल्दी आउट होना पड़ेगा, तब जाके वाइस कैप्टन का आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से कैप्टन फ्लॉप जाएगा वाइस कैप्टन मान लीजिए खेल लिया, तो यह भी आपको नहीं करना। अब बात करते हैं कि किस टाइप के प्लेयर को हमको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों बात यहाँ पर यह आता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन का एकदम सही और सटीक चॉइस जो हमारे तरफ से आप पूछेंगे वह ऑलराउंडर और बॉलर यहाँ पर होता है। किस टाइप का होता है बॉलर ऑलराउंडर, हम भी आपको यह बता दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए ऑलराउंडर को क्या है, दोनों तरफ से मौका मिलता है, बॉलिंग से भी मिलता है, बैटिंग से भी मिलता है कि हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट दे दे, हो सके वह बैटिंग में ना चले तो बॉलिंग से दे दे, बॉलिंग में ना चले तो बैटिंग में दे दे। और रहा बॉलर का सवाल, तो बॉलर दोस्तों T20 मान लीजिए हर जो बॉलर होता है वह 4 ओवर फेंकता है, 4 ओवर में 24 गेंद होते हैं, उसको 24 बार मौका मिलता है कि वह सामने वाले बैट्समैन को आउट कर दे, लेकिन बैट्समैन के पास यहाँ पर कितना मौका है, सिर्फ एक मौका है, कैच आउट हो गया, ठीक है, रन आउट हो गया, या फिर कहीं भी कुछ भी आउट होता है, जो पैर में लग जाता है बॉल, वह आउट हो गया, तो बहुत सारा तरीका है जिससे बैट्समैन
आउट हो सकता है, बॉलर नहीं, बॉलर को काफी मौका मिलता है। तो आपको क्या करना है कि कैप्टन वाइस कैप्टन कैसा बनाना है। तो कैप्टन आपको मान लीजिए जो बॉलिंग फर्स्ट टीम करने आ रही है, जो पावर प्ले में दोस्तों जो बॉलिंग करने आता है बॉलर, उसको आप कैप्टन रख सकते हो, क्योंकि पावर प्ले में दोस्तों ज्यादा विकेट गिरते हैं, ज्यादा 80% चांस है कि पावर प्ले में और लास्ट के जो डेथ ओवर कराए जाते हैं उसमें विकेट गिरता है, क्योंकि पावर प्ले में सभी फील्डर जो है बहुत पास में रहते हैं, तो बहुत जल्दी कैच आउट वगैरह होने का जो है बैट्समैन पे काफी प्रेशर रहता है कि वह अपना विकेट भी बचाए रखे और रन भी बनाए, और साथ में पूरे प्लेयर जो है आसपास घेरे रहते हैं उसको, तो जिसकी वजह से कैच आउट जल्दी हो जाता है बैट में कट वगैरह लग करके। तो यहाँ पर जो पावर प्ले में जो बॉलर बॉलिंग करने आता है उसको ज्यादा विकेट मिलते हैं, और साथ में जो लास्ट में डेथ ओवर में आता है, डेथ ओवर में क्या होता है दोस्तों, जो लास्ट जब मैच चलता है 15-17 ओवर मान लीजिए हो जाता है, उसमें आप देखे होंगे एक बैट्समैन खेलने आता है, 2-3 बॉल खेला, फिर वो जाता है, फिर दूसरा आता है, ऐसा करके विकेट 8-9-10 ऐसा गिरते चला जाता है लाइन से, क्योंकि दोस्तों लास्ट में जो है टीम के ऊपर जो प्रेशर रहता है कि हमको कम गेंद है और ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर मारने हैं, तो जितना ज्यादा रन हो सके वो लोग मारने का कोशिश करते हैं, वो लोग अपना विकेट नहीं देखते हैं कि हमारा विकेट गिर जाएगा, तो लास्ट में इसीलिए बॉलर को ज्यादा विकेट मिलता है जो बॉलर बॉलिंग करने आता है। तो अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर में से किसी एक को बनाना है, तो आप ऐसे बॉलर को बनाओ जो शुरू में जो है बॉलिंग करने आता हो पावर प्ले में, या तो फिर लास्ट जो डेथ ओवर में वो बॉलर बॉलिंग करने आता हो, इन दोनों में से आप किसी एक को बनाओ, 4 ओवर फेंकेगा 100% 2-3 विकेट तो लेना ही लेना है, 3-4 विकेट ले लिया तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, 2 विकेट भी लिया तो आपका कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पर बच जाएगा, फ्लॉप नहीं जाएगा। तो आप ऐसे बॉलर को बनाओ जो पावर प्ले में बॉलिंग करे और लास्ट में करे डेथ ओवर में, ज्यादा जो है उसको विकेट मिलने का यहाँ पर चांस रहता है। अब आते हैं ऑलराउंडर पे, तो ऑलराउंडर दोस्तों आपको कैसा बनाना है, ऑलराउंडर बनाना है जिसका ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 3 या 4 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर आ जाता हो, क्योंकि ऑलराउंडर बनाने का हमको क्या फायदा है, जिसका बैटिंग ऑर्डर मान लीजिए ऑलराउंडर है और उसका बहुत पीछे है 6-7 नंबर पे है और उसको बैटिंग मिला ही नहीं, तो हम लोग को वो बैटिंग से पॉइंट नहीं देगा, वहां पर हम लोग को उसको अपने टीम में रखना गलती रहेगा। तो ऐसे ऑलराउंडर को आपको रखना है, खास करके जिसका 3 नंबर, देखिए कि ऑलराउंडर है, अच्छा ऑलराउंडर है, 3 नंबर पे इसका बैटिंग आ जाता है और जो है बॉलिंग भी डाल लेता है, इसको बॉलिंग भी 4 ओवर मिल जाता है। तो आपको ऐसे ऑलराउंडर को खोजना है जो 4 ओवर बॉलिंग कर ले और साथ में बैटिंग भी कर ले अपने टीम से 3रे नंबर पे, तो वह दोनों तरफ से खेल पाएगा। तो यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन हमने बता दिया कि ऑलराउंडर को आपको बनाना है जिसका 3 नंबर पे हो और साथ में पावर प्ले या डेथ ओवर में जो बॉलर बॉलिंग करने आता हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों में चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आता है हमारा जो 2 प्लेयर जिनका हमेशा फ्लॉप चला जाता है, इस चीज से भी बहुत लोग परेशान है कि हम टीम बनाए कैप्टन वाइस कैप्टन भी चला लेकिन हमारा यहाँ पर 2 प्लेयर फ्लॉप चला गया, तो भाई उसका भी सॉल्यूशन यही सेम है कि आपको जो है ओपनर बॉलर और ओपनर बैट्समैन कभी भी दोनों को अपने टीम में नहीं लेना है। 11 प्लेयर आप लिए हो दोनों टीमों से, ओपनर बॉलर ओपनर बैट्समैन लोगे तो सेम वही होगा, ओपनर बॉलर या तो बैट्समैन का विकेट लेगा या बैट्समैन जो है बॉलर को हिट करेगा उसको मार देगा, तो एक प्लेयर 100% यहाँ पर आपका फ्लॉप जाना ही जाना, आप इससे यहाँ पर नहीं बच सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमारा प्लेयर इसलिए भी कभी कभी फ्लॉप चला जाता है कि हम लोग देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन प्लेयर, हाईएस्ट सिलेक्शन जो हम लोग का दोस्तों प्लेयर होता है, हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि आज वो मान लीजिए रन मारा 50 प्लस, कल भी मारा, तो हम लोग को लगता है कि परसों भी मारेगा या 2 मैच मारा है, हम लोग उस मैच में उसको ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप उसको लोगे तो वह नहीं मारता, वह चलता ही नहीं है, तो आप सोचते हो आप बोलते हो कि मेरा नसीब यहाँ पर खराब है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, किसी का नसीब यहाँ पर खराब नहीं होता, सब मानने की बात है। देखो कोई भी बैट्समैन हो, कोई प्लेयर हो जो बैट्समैन है जो हमेशा 100 रन आज मारा, कल जो है 50 मारा 70 मारा, तो यह एक दिन 2 दिन ही मारता, आप 3रे दिन देखना वो प्लेयर नहीं चलता, हर प्लेयर अलग अलग दिन यहाँ पर खास करके बैट्समैन चलता है, बाकी बहुत से बॉलर ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट बनाए रखते हैं, जो लगातार जो है हर मैच में 2-3 विकेट चटका ही देते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन आप बॉलर को ले लेना, ऑलराउंडर को ले लेना, और साथ में जो 2 प्लेयर से परेशान है ओपनर बॉलर ओपनर बैट्समैन को अपने टीम में आपको नहीं रखना है, और जो आज चला कल चला परसों चला इस टाइप का जो प्लेयर है उसको आपको अपने अगले टीम में ड्रॉप कर देना है, क्योंकि वह फ्लॉप जाएगा। अभी फिलहाल ही जो मैच हुआ था उसमें वार्नर को जो है ओपनर था वो अपने टीम का वह 2 दिन पीछे चला था, तो उसको बहुत बंदे ने अपने टीम में ले लिया था कि यह जो है वार्नर है चलेगा ओपनर बैट्समैन है, लेकिन वह उस दिन क्या हुआ चला गया जो है फ्लॉप चला गया, उसके साथ जो उसको सिलेक्शन परसेंटेज था 88% की 90% था, 90% लोग उसके साथ वो तो फ्लॉप गया, उसके साथ साथ जो है 90% लोग भी यहाँ पर फ्लॉप गए, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो दोस्तों यहाँ पर नहीं करनी है, या वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए हमने बनाया था 2 दिन इस चैनल पे हमने आप सभी के लिए वीडियो यहाँ पर बनाने के लिए,
अपलोड नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह आइडिया हमारा पसंद आया कि नहीं आया, आपको यह लॉजिक कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक यहाँ पर जरूर करिएगा और साथ में हमने जैसा बोला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों एक इसका यह भी सोल्यूशन है कि टेलीग्राम अगर आप हमारा ज्वाइन कर लेते हैं तो इतना कुछ आपको टीम में देखने का जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कुछ टीम में नहीं देखना चाहते हैं, इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना कुछ सर्च करें, इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें, फलाना वाना जो भी है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है आप सिंपल सा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको ग्रैंडली की एक बनी बनाई सब कुछ देखने के बाद हम वहां पर एक टीम, जैसे ही मैच लाइनअप होता है उसके बाद वहां पर एक टीम प्रोवाइड कर देते हैं जहां से आप लोग बस 5-10 मिनट में टीम लेके बना के खेल सके। अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है तो करना है तो बात अलग है। तो दोस्तों फिलहाल यही था अभी का वीडियो आप सभी के लिए, तो मिलेंगे आप सभी के लिए मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।